तो गाइज यहाँ पर फाइनली क्लोज हो गया धर्माज क्रॉप गार्ड का जो आईपीओ ओपन हुआ था, वो आज क्लोज होने वाला था, क्लोज हो चुका है। तो अभी इसका लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है, जिसने इसमें अप्लाई कर दिया, अब उनके मन में सवाल आता है हमें इसका अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना मिलने वाला है और कितना ये सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके एक एक करके जवाब देंगे। सबसे पहले इसका हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखते हैं, अगर यहाँ पर तो बम्पर सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को देखने के लिए मिला है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखेंगे क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 38 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, वही नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अंदर देखेंगे 51 गुना से ज़्यादा हुआ है। रिटेल कैटेगरी के अंदर की बात करें तो 20 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो इसके इम्प्लॉयज़ हैं जो इसकी कंपनी में काम करते हैं, 7 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात अगर आप करते हैं, टोटल सब्सक्राइब यहाँ 32 गुना सब्सक्राइब हुआ है दोस्तों। इससे बहुत कम चांस हो जाएंगे कि आईपीओ आपको मिले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रे मार्केट की जो प्रीमियम है, ग्रे मार्केट का प्राइस बहुत ऊपर की तरफ आपको इंक्रीज करता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है उसकी डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आईपीओ इसको बम्पर रिस्पांस मिला, ओवर सब्सक्राइब हुआ, ऐसे इसकी डिमांड बढ़ेगी। वहीं इसके अंदर रिटेल कोटा भी अच्छा खासा रखा गया है, तो आपको अच्छा खासा यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। वहीं अगर आपने एक लोट के लिए यहाँ पर अप्लाई किया होगा, देख लीजिए एक लोट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है 60 शेयर आपको अलॉट होंगे, 14,220 रुपये आपने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको मिलता है वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अभी इसका लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद में आपको बताएंगे कि इसकी लिस्टिंग डेट कब है और अलॉटमेंट स्टेटस डेट कौन सी है और आपको मिलने के कितने परसेंट चांसेस हैं। तो धर्माज क्रॉप गार्ड का यहाँ पर लेटेस्ट जीएमपी 55 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, इसकी कट ऑफ प्राइस 237 रुपये थी, लिस्टिंग गेन आपको 23% के आसपास का मिलता हुआ दिख रहा है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एक लोट के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो 60 शेयर आपको अलॉट होने वाले, 55 का जीएमपी चल रहा है। एक लोट के लिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई किए हो तो आपको कहीं ना कहीं 3300 रुपये के आसपास का अच्छा खासा लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि आपको कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखेगा। और ये 3500 भी जा सकता है और ये 4000 के आसपास भी ये जा सकता है मेरे हिसाब से। आपकी अपनी राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। और ये जो 23% है ये कहीं ना कहीं 30% तक जंप करता हुआ आपको देखने के लिए बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब आईपीओ हुआ। अभी बात कर लेते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, और देख लीजिए यहाँ पर रिटेल कोटा जो है वो 35% के आसपास रखा गया, इससे चांसेस हैं आईपीओ आपको मिले। रिटेल कैटेगरी यहाँ पर 35% है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर से मिलेगा। देख लीजिए आज ही क्लोज हो चुका है, अब इसका अलॉटमेंट आपको कब देखना है, कहाँ देखना है, कितनी तारीख को देखना है, तो आप देखेंगे इसकी बेसिस अलॉटमेंट डेट 5 दिसंबर है। अगर आपने इसमें अप्लाई किया तो 5 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट आएगा, अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपकी जो भी अमाउंट ब्लॉक की गई है 6 दिसंबर को रिफंड कर दी जाएगी, और अगर आपको ये मिल जाता है तो 6 दिसंबर को ही इसके शेयर्स जो हैं 60 शेयर्स आपका जो भी डीमैट अकाउंट इसमें क्रेडिट कर दिए जाएंगे। फाइनली धर्माज कॉर्प गार्ड का आईपीओ की लिस्टिंग डेट 8 दिसंबर को, यानी इसके शेयर अगर आपको मिल जाते हैं तो 8 तारीख को उसको आप सेल कर पाएंगे, या अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए अप्लाई करते हैं उनको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन यहाँ से मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कंपनी का कामकाज अच्छा है। इसके परफॉर्मेंस पर नज़र डालें ईयर टू ईयर बेसिस पर तो आप देखेंगे 2020 से 2022 तक रेवेन्यू बढ़ा है, एक्सपेंस बढ़े हैं और पेट भी इसके लगातार बढ़े। अच्छी कंपनी है, शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दे जाएगी, लेकिन जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए अप्लाई किया है उनको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन यहाँ से मिलता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से लिस्टिंग गेन लेने के बाद एग्जिट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको इसका अच्छे से एनालिसिस करना, आईपीओ का कंपनी का कामकाज देखना, उसके बाद ही आपको रुकना, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। अभी यहाँ पर बात करेंगे आपको इसका अलॉटमेंट कहाँ देखना है, तो धर्माज कॉर्प गार्ड का आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर आपको जाना, अपने ब्राउजर पर जाना, वहाँ पर आपको लिंक्डइन टाइम लिख देना, इस तरीके की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ 3 तरीके से आप अपना अलॉटमेंट देख सकते हैं, पैन नंबर द्वारा, एप्लीकेशन नंबर और डीपी क्लाइंट आईडी द्वारा, सिलेक्ट कर लेना है। मैं हमेशा पैन नंबर से देखता हूँ तो मैं पैन नंबर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आपको अपना आईपीओ सिलेक्ट करना है, इस एरो पर क्लिक करके नीचे अपना पैन नंबर डालना है, सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होता है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा 60 शेयर्स आपको अलॉट हुए हैं या फिर आपको नहीं मिले, जो भी स्टेटस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। कब देखना है आपको, 5 तारीख को शाम को 7 बजे से 8 बजे के आसपास अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 100% आपका अलॉटमेंट स्टेटस देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें फ्रेंड्स।